नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मई माह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। 1 से लेकर 15 मई तक का जो करंट अफेयर्स है उसको हम वीडियो के पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। ये दूसरा भाग होगा वीडियो का, जिसमें हम 16 से लेकर 31 मई तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये वीडियो PCS, SSC, रेलवे, बैंक, LT ग्रेड, DSSB, UGC नेट, IBPS इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अगर नियमित रूप से आप तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो आपको अलग से करंट अफेयर्स की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और अब अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस हैं और आपको सही विकल्प का चयन करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 से इस वर्ष यानी कि 2018 की जो थीम थी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की, उसका नाम है परिवार और समावेशी समाज। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए। किस संस्थान ने हाल ही में भारत समावेशी पहल शुरू की है? 4 विकल्प हैं यहाँ पे, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT चेन्नई या फिर IIM अहमदाबाद। सही जवाब होगा यहाँ पे IIM अहमदाबाद। आपको बता दें कि IIM अहमदाबाद सेंटर इन इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप CIIE ने वित्तीय समावेश, आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में ज्ञान बनाने और नवाचार और उद्यमिता गतिविधि का बढ़ावा देने के लिए भारत समावेश पहल शुरू की है। IIM अहमदाबाद में CIIE विचारों को व्यवहार व्यवसायों में बदलने में उद्यमियों की मदद करना है। इस पहल का लक्ष्य अगले 3-4 सालों तक लगभग $25 मिलियन का प्रसारण करना है, जो स्टार्टअप का कायापलट कर देगा, जो सेवाओं तक भारत में हो रहे डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए एक पहुंच प्रदान करेगा जो अब तक पहुंच से बाहर थे। किस संस्था ने 2023 तक खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा, आपने देखा होगा कि अक्सर ट्रांसफैट लिखा गया होता है जब भी आप मार्केट से कोई खाने की चीज़ खरीदते हैं, तो ये जो ट्रांसफैट होता है, इस ट्रांसफैट का उन्मूलन करने के लिए, मतलब इसको रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया है। जवाब होगा इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है WHO। स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 7 अप्रैल 1948 को। इसके जो हेड हैं वर्तमान में हैं। हैनोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए आपका सही विकल्प होगा, हीना सिद्धू ने जीता है। देश की स्टार महिला शूटर हीना सिद्धू, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में चल रही 21वीं कॉमनवेल्थ गेम्स, देखिए ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है कि ये इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसका एडिशन कौन सा था, तो इस बार 21 था, आप ये याद रखेंगे। तो इस एडिशन में उन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। इसी गेम्स में हीना सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं। हीना सिद्धू ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। हीना कुल 38 अंकों के फाइनल स्कोर के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा कर चुकी हैं। बिना पैर 69 वर्ष की आयु में नेपाल की ओर से एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाले व्यक्ति कौन है? 4 नाम है यहाँ पे और सही नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जिया बोऊ। 14 मई 2018 को उन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है। 8,848 मीटर ये ऊंचाई है एवरेस्ट की। 8,848 मीटर की चोटी तक पहुँचने का जिया बोऊ का यह 5वां प्रयास था। चार प्रयासों में वो असफल रहे थे, 5वें प्रयास में वो सफल हो चुके। जिया के पहले न्यूजीलैंड के मार्क इंग्लिस कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट पर पहुंचने का वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, मतलब इसके पहले कृत्रिम पैरों के सहारे आर्टिफिशियल जो लेग्स होते हैं उसके सहारे मार्क इंग्लिस यह कारनामा दिखा चुके हैं। 2006 में वो तिब्बत की ओर से उन्होंने चढ़ाई की थी। जिया बोऊ ने यह चढ़ाई जो की थी वो नेपाल की ओर से की है। 11 मई 2018 से अमेरिका दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। 11 मई 2018 से हुआ था ये सैन्य अभ्यास। इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? मैक्स थंडर, हरिमऊ शक्ति, ऑपरेशन कोबरा या फिर खान क्वेस्ट। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मैक्स थंडर। ठीक है, यूएस दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास मैक्स थंडर ये 2009 से शुरू हुआ था। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं में समन्वय स्थापित करना। 15 दिन तक चला था इस बार ये अभ्यास, 11 मई से लेकर 25 मई तक। अभी हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने भाभा एटामी रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित दुबराज चावल की एक किस्म है
कि एक म्यूटेंट किस्म का उद्घाटन किया है, कहाँ पर ये बताना है आपको, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो आपको पता है कि जो भावा एटामिक रिसर्च सेंटर ये है कहाँ पे है, मुंबई में है। दुबराज चावल एक मूल रूप से छत्तीसगढ़ की उपज है, बिलासपुर में बहुतावत में दुबराज ये जो राइस है ये उगाया जाता है। ओके, भावा एटामिक रिसर्च सेंटर हेडक्वार्टर है मुंबई में, फाउंडर इसके संस्थापक थे होमी जहांगीर भाभा, और ये 3 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। मरकाम कम्युनिकेशन इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सौर ऊर्जा के मामले में वर्ष 2017 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, भारत, श्रीलंका, चीन या फिर पाकिस्तान। जवाब है यहाँ पे भारत, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2017 में ये तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। पहले स्थान पर है चाइना और दूसरे स्थान पर कौन सा है, अमेरिका। रेड इंक पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है, जवाब होगा मार्क टुली को। मार्क टुली का संबंध अक्सर बीबीसी से लिया जाता है। वरिष्ठ पत्रकार मार्क टुली को मुंबई में वार्षिक रेड इंक अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। टुली ने बीबीसी के साथ 3 दशकों तक काम किया है, लगभग 30 सालों तक, और 20 साल तक दिल्ली के ब्रॉडकास्टर के चीफ ब्यूरो के लिए भी कार्य किया है इन्होंने। टुली दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान युद्धों, भोपाल गैस त्रासदी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगों जैसे सभी प्रमुख समाचार खंडों के एक अग्रणी संवाददाता थे। मिरर नाउ के कार्यकारी संपादक फे डिसूजा को समारोह में पत्रकारिता का वर्ष पुरस्कार भी दिया जाएगा। मिरर नाउ के कार्यकारी संपादक का नाम क्या है, फे डिसूजा को भी इसी समारोह में पत्रकारिता का वार्षिक पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये कब मनाया गया, 14 मई, 15 मई, 17 मई, और यहाँ पे सही जवाब होगा 17 मई को। इस वर्ष का थीम था सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सकारात्मक उपयोग के लिए सक्षम बनाना, एनेबलिंग द पॉजिटिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, ये इस वर्ष की थीम थी। 17 मई को यह दिवस पहली अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865 को, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की सूचना एवं जनसंचार की विशिष्ट प्रौद्योगिकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो इस सर्वेक्षण में भारत का कौन सा जो शहर है वह पहले स्थान पर है, और पिछले वर्ष भी यही पहले स्थान पर था, मध्य प्रदेश का शहर है, नाम है इंदौर। दूसरे स्थान पर भोपाल है, तीसरे स्थान पर चंडीगढ़। कुल 4203 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया था वर्ष 2018 में। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने यह सूची जारी की है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के 23 और जोनल स्तर के 20 अवार्ड घोषित किए गए हैं, यानी कुल मिला के इसमें अवार्डों की संख्या अगर जोड़ दें तो 43 है 43 है। गाजियाबाद ने सबसे तेज स्वच्छ होने वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है, और यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी। इस स्टेशन पर कुल 2352 सौर ऊर्जा के मॉड्यूल लगाए गए हैं जो 700 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, और इसकी कुल लागत आई है 6.7 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स स्थापित करने को मंजूरी दी है, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर असम। जवाब होगा इसका झारखंड में, झारखंड में देवघर में। ओके, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बौद्धिक संपदा शुभंकर आईपी नानी लॉन्च किया है। देखिए ये आईपी नानी है, इनको आप देख सकते हैं, आईपी देखिए, मीट आईपी नानी, ए टेक सेवी स्मार्ट इंटेलिजेंट ग्रैंड मदर हु हेल्प्स द गवर्नमेंट एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज इन कॉम्बैटिंग आईपी क्राइम्स। ये है आपकी आईपी नानी। ओके, चार ऑप्शन हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु। तो यहाँ पे सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार कानून पर आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय संपदा के प्रतीक चिन्ह मस्कट आईपी नानी का शुभारंभ किया है। समारोह के दौरान मंत्री महोदय ने एंटी पायरेसी वीडियो भी लॉन्च किया है।
और इस वीडियो में अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई है। ये जो मस्कट है शुभंकर आईपी नानी, ये तकनीकी को समझने उपयोग करने वाली एक नानी है जो अपने पोते, नाम है उसका छोटू, आदित्य की सहायता से आईपी अपराधों से लड़ने में सरकार तथा एजेंसियों की मदद करती हैं। यह आईपी मस्कट सुरुचिपूर्ण ढंग से लोगों, विशेषकर बच्चों में बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाएगा। यह चरित्र विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के अभियान के अनुरूप है, जो महिलाओं की प्रतिभा, सरलता, जिज्ञासा और साहस को दुनिया में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण मानता है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि एक मजबूत आईपी प्रणाली नवोन्मेषी और रचनात्मक महिलाओं को समर्थन प्रदान करती है। सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए आईपीआर महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने 12 मई 2016 को राष्ट्रीय आईपीआर नीति को मंजूरी दी थी। किसने दी थी? केंद्रीय कैबिनेट ने। आईपी नानी पर आधारित वीडियो CIPAM, अगर आप इसे चाहें तो यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल भी पर भी है और फेसबुक पेज पर भी है। लद्दाख क्षेत्र में पाक और चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनज़र पीएम मोदी ने किस सुरंग की आधारशिला रखी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जोजिला सुरंग। 19 मई 2018 को इसकी नींव रखी गई। कब? 19 मई 2018 को। खराब मौसम के कारण लद्दाख से घाटी तक संपर्क खत्म हो जाता है और इस सुरंग के बन जाने से लद्दाख घाटी से जुड़ा रहेगा। इसमें कुल 14.2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। लागत आएगी 6,809 करोड़ रुपए। श्रीनगर और लेह के बीच की दूरी 3.5 घंटे में जो अब तक तय की जाती है, जब इस सुरंग बन जाएगी तो ये दूरी मात्र 15 मिनट की हो जाएगी। 2026 में ये जो प्रोजेक्ट पूरा होगा। देश का पहला पूरी तरह से महिला संचालित डाकघर, पासपोर्ट सेवा केंद्र भी है। ये किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये शहर है पंजाब का फगवाड़ा। एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, आवश्यक निदान सूची में किस संगठन ने जारी की है? तो ये जारी किया गया WHO के द्वारा। WHO ने इसे 15 मई को पहली आवश्यक निदान सूची प्रकाशित की है। इस डायग्नोस्टिक में 113 सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियों को आम और प्राथमिक बीमारियों के लिए सूचीबद्ध किया गया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, इसको हाइपरटेंशन डे के रूप में भी जानते हैं, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? ये मनाया जाता, ये प्रतिवर्ष जो 17 मई को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की, वो था नो योर नंबर्स। ठीक है, तो ये याद रखना आप कि इस वर्ष 17 मई को जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी नो योर नंबर्स। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सन 2028 तक दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा होगा? यहाँ पे जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, आपकी दिल्ली। ये सन 2028 तक दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाली शहर बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक दुनिया की जो 68% आबादी शहरों में होगी, अभी ये आंकड़ा 55% का है, मतलब अभी दुनिया में 55% लोग शहरों में रहते हैं, ये बढ़ने वाला है, ये 68% हो जाएगा। वर्तमान में टोक्यो में 37 मिलियन निवासियों के साथ ये पहले स्थान पर है। सबसे अधिक लोग कहाँ पे रहते हैं? टोक्यो में। और दिल्ली में अभी रहते हैं 29 मिलियन, शंघाई में 26 मिलियन, लेकिन 2028 तक दिल्ली सबको ओवरटेक करने वाली है। फ्रांस के कान फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेत्री को लुइस फिल्म आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लुइस फिल्म आइकन पुरस्कार, सही जवाब यहाँ पर होगा श्रीदेवी को। आपको बता दें कि जब ये पुरस्कार दिया जा रहा था उस समय श्रीदेवी के परिवार से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित नहीं था। जाने माने फिल्मकार सुभाष घई ने श्रीदेवी के लिए यह पुरस्कार ग्रहण किया था। हिंदी सिनेमा में उम्दा कलाकारी के लिए कान की तरफ से इस बार श्रीदेवी को टाइटन एफ लेविस सम्मान के तहत याद किया गया और उनके सम्मान में एक विजुअल फुटेज भी दिखाया गया। बता दें कि इसी साल फरवरी में दुबई के एक होटल में बाथ टब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई थी। उन्होंने 300 फिल्मों में काम किया है और श्रीदेवी को पहली जो फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता है। शंघाई सहयोग संगठन, ये हाल ही में बहुत अधिक चर्चा में रहा है, इसके पहले भी एक इसकी बैठक हो चुकी थी SCO की। संस्कृत मंत्रियों की बैठक कहां पर संपन्न हुई थी ये बताना है आपको, तो आपको बता देंगे संस्कृत राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने सानिया, ये एक शहर है चाइना में,
चाइना में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों की सांस्कृतिक मंत्रियों की 15वीं बैठक थी। ये भारतीय प्रतिनिधिमंडल का इन्होंने नेतृत्व किया था। भारत ने SCO के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में पहली बार हिस्सा लिया है। भारत कजाकिस्तान के अस्ताना में SCO प्रमुख राज्य शिखर सम्मेलन के दौरान जून 2017 में संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया था और इसी वर्ष 2000 पाकिस्तान को भी SCO का पूर्ण सदस्य बनाया गया है। अब थोड़ी जानकारी संघाई के बारे में आपको बता देते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में, संघाई सहयोग संगठन SCO 15 जून 2001 को स्थापित हुआ था। चीन संघाई में बना था। यह एक 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं द्वारा किया गया था। पाकिस्तान भारत के साथ ही SCO का पूरा सदस्य बन गया है, जिसने 8 में अपनी सदस्यता ली है। कब? 2017 में इसको सदस्यता मिली, लेकिन पहली बार जो पार्टिसिपेट दोनों देश पहली बार कर रहे हैं 2018 में आके। सदस्यता के विस्तार के बाद SCO दुनिया की आबादी का 42%, GDP का 20% और भूमिगत 22% का प्रतिनिधित्व करता है PIB के अकॉर्डिंग, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। माउंट एवरेस्ट पर फतह पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? जवाब यहां पे होगा शिवांगी पाठक। इनकी उम्र अभी मात्र 16 वर्ष है और शिवांगी ने दिव्यांग पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा से प्रेरणा ली है और नेपाल की ओर से चढ़ाई करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला बन गई हैं। ये हैं आपकी शिवांगी पाठक। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पहला स्थान किस शहर को मिला है? और सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मैंगलोर को मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान मिला है किसको? मंगलोर को। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने किस शब्द को वैज्ञानिक और तकनीकी उद्देश्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अपनाने का निर्णय लिया है? जवाब होगा ऑप्शन बी, आयुष शब्द को। आयुष शब्द चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा शब्द है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्ध सभी में यह शब्द प्रयुक्त होता है, इसीलिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने इसे हिंदी और अंग्रेजी में अपनाने का निर्णय लिया है। यानी कि अब हिंदी हो या अंग्रेजी, आयुष दोनों में ही आयुष नाम से ही उच्चारित होगा। एक रोबोट ग्लाइडर जो कि एक अल्ट्राबास की तरह उड़ सकता है, अल्ट्राबास एक पक्षी होता है जो कि आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है, किस अमेरिकी विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है? ये बताना है आपको। तो आपको बता दें कि MIT USA, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसे विकसित किया है। ठीक है, MIT USA ने। ऑप्शन ए आपका सही है। यह रोबोट हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है तथा ज़मीन पर भी चल सकता है, यानी कि इसके चलने में कोई रुकावट कोई भी चीज़ नहीं डाल सकती। निपाह एक जूनोटिक पैरामैक्सो वायरस है। जूनोटिक पैरामैक्सो वायरस क्या होता है? वो वायरस जो पशुओं से इंसानों में फैलता है उसे कहते हैं जूनोटिक। ठीक है, यह किस जीव में देखा गया था सबसे पहले? एक्चुअली में इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, लेकिन यह माना जाता है कि जो फ्रूट बैट होते हैं, फलों को खाने वाले चमगादड़, उनसे ये रोग सबसे पहले, उसके बाद सूअरों में आया था, सूअरों से ये मानवों में फैल गया था। तो यहाँ पर अगर देखें तो किस जीव में देखा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा, चमगादड़। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपाह वायरस चमगादड़ों से फैलता है। चमगादड़ों में यह फलों में और फलों द्वारा मानवों में फैलता है। 1998 में मलेशिया में पहली बार मलेशियाई निवासी, नाम था उनका कापुंग सुंगई निपाह, उनको यह रोग हुआ था और उसके बाद इसे निपाह वायरस का नाम दे दिया गया। देखिए, चमगादड़ों के बाद यह सीधे सीधा मानवों में नहीं देखा गया, चमगादड़ों से यह पहुंचा था सूअरों में और सूअरों के बाद फिर ये किसी तरीके से इंसानों में फैल गया। किस देश ने हॉकी की 5वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? और यहाँ पे सही जवाब आपका होगा दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, राष्ट्रपति हैं मून जे इंग और प्रधानमंत्री हैं ली नॉक यान। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दो अलग अलग देश बने, उसके पहले ये दोनों देश एक ही थे। इस विभाजन के बाद से दोनों देशों को अपनी अलग अलग राह चुननी पड़ी। कोरिया पर 1910 से जापान का तब तक शासन रहा जब तक 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों ने हथियार नहीं डाल दिए। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेना के जवान, इसके बाद सोवियत संघ की सेना ने कोरिया के उत्तरी भाग को अपने कब्जे में ले लिया और दक्षिणी हिस्से को अमेरिका ने।
इसके बाद उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में साम्यवाद और लोकतंत्र के बीच लेकर संघर्ष शुरू हुआ जो कि अब तक चल रहा है। आज की तारीख में दक्षिण कोरिया काफ़ी संपन्न राष्ट्र है जबकि उत्तर कोरिया किम राजवंश के शासन में लगातार दुनिया से अलग थलग होता गया है। 20वीं सदी का यह विभाजन आज भी दुनिया के बड़े विवाद के रूप में कायम है। हालांकि ये इसका इतिहास था। और जो संबंधित सवाल है कि किस देश ने हॉकी की 5वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। किस खिलाड़ी ने रोम ओपन टेनिस 2018 का खिताब जीत लिया है, और इसका जवाब होगा राफेल नडाल ने। 20 मई 2018 को यह प्रतियोगिता हुई थी। राफेल नडाल ने सेमीफाइनल में नोवोक जोकोविच तथा फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरो जो कि जर्मनी के हैं उनको हराया था। 32 मीटर ऊंचाई वाला सभ्यता द्वार किस प्रदेश में स्थापित किया गया है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है होगा ऑप्शन ए बिहार में। दिल्ली के इंडिया गेट, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की तर्ज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में सभ्यता द्वार का उद्घाटन किया है। इस द्वार का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि बिहार की जो गौरव गाथा है उसका वर्णन करना। 21 मई 2018 को उड़ीसा ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ब्रह्मोस भारत और किस देश की सहायता से बनाया गया है, तो बता दें कि ब्रह्मोस जो है वो भारत और रूस की सहायता से बनाई गई एक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, ठीक है। और इसका नाम जो है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह्म और रूस की मस्कवा नदी से लिया गया है। इसे जमीन हवा पनडुब्बी पोत कहीं से भी दागा जा सकता है। नौसेना का महिला दल अभी हाल ही में विश्व परिक्रमा से लौटा है। किस इंडियन नेवल सेलिंग वेसल यानी कि किस जहाज से, किस पोत से यह काम पूरा किया गया है, नाम है उसका INS तारिणी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। 21 मई को यह दल 8 महीने की यात्रा से लौटा है। गोवा तट पर उनकी वापसी हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX ने भारत का पहला विकल्प अनुबंध ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किसमें लॉन्च किया है, और इसका सही जवाब होगा कॉपर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। रोम महिला एकल ओपन खिताब 2018 किसने जीता है, एलेन स्वातलेना, जस्टिन हेनिन, मारे सारा पुआ, तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए एलेना स्वातलेना। ये हैं एलेना स्वातलेना, आपको बता दें कि ये यूक्रेन की खिलाड़ी हैं। इन्होंने दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी रोमानिया की सिमोन हालेप को 6-0, 6-4 से हराकर यह खिताब जीता है। वर्ष 2018 की 71वीं विश्व स्वास्थ्य असेंबली कहाँ पर आयोजित की गई, और इसका सही जवाब होगा जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। भारतीय नेतृत्व किया था JP नड्डा जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 71वीं विश्व स्वास्थ्य असेंबली आयोजित की गई। विश्व स्वास्थ्य असेंबली में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री JP नड्डा ने किया था। यह कार्यक्रम हेल्थ फॉर ऑल कमिट टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये इस वर्ष की थीम थी के अंतर्गत आयोजित किया गया था। श्री नड्डा ने वॉक द टॉक कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया और हेल्थ फॉर ऑल, योगा फॉर ऑल का भी आह्वान किया था। प्रतिष्ठित मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता है, और इस वर्ष का जो है 2018 का यह पुरस्कार मिला है ओल्गा टोकर्क जुक जो कि एक पोलिश उपन्यासकार हैं। उनका नॉवेल है फ्लाइट्स जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। रहने वाली ये पोलैंड की लेखिका हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इन्हें, ओल्गा, क्या नाम है इनका, ओल्गा टोकर्क जुग, नाम काफ़ी टेढ़ा होता है। जटायु स्कल्पचर, स्कल्पचर माने क्या होता है, कंकाल। दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति किस प्रदेश में बनाई जा रही है, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु या फिर गुजरात, सही जवाब होगा यहाँ पे आपका केरल। केरल पर्यटन विभाग जटायु पृथ्वी केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ब्रांड करके अपने नए रूप को बढ़ावा देगा। यह केंद्र चार्ता यंगलाम के पास होगा, कहाँ पे, चार्ता एंगलाम, 65 एकड़ क्षेत्र में स्थापित होगा। जटायु की इसमें जो स्टैचू लगाई जाएगी वो 200 फीट लंबी है, 150 फीट चौड़ी है और 70 फीट ऊंची है। देख सकते हैं आप इसमें कि ये कितना बड़ा दिख रहा है, और ये वाकई दुनिया में काफ़ी चर्चित होगा बनने के बाद। 22 मई 2018 को भारतीय नौसेना ने किस शहर के तट पर ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया कहते हैं इसे ODA में प्रस्थान नामक सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है।
और यहाँ पे सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, मुंबई में हुआ था। लगातार दूसरी बार और अब तक पांच बार किसने यूरोपी गोल्डन शू जीता है? पांच बार, अब तक पांच बार और लगातार था ये दूसरी बार, किसने जीता है? नाम है इनका लियोनेल मेसी, इन्हें आप देख रहे हैं, इन्होंने पांच बार जो है जीता है ये पुरस्कार यूरोपीय गोल्डन शू। और इनका जन्म हुआ था 24 जून 1987 को, उम्र इस वर्ष लगभग 31 या 32 वर्ष के होने आसपास होने वाली है। और इनकी सैलरी है कितनी आप देख पा रहे हैं, 4 करोड़ EUR 2016 का यह आंकड़ा है। खेलते हैं ये बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की ओर से। IMD की विश्व स्पर्धात्मक सूची में भारत किस स्थान पे है? तो इस वर्ष भारत का जो स्थान है वो 44वां है। IMD क्या है? IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, एक इंस्टीट्यूट है जो कि मैनेजमेंट से संबंधित है। एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है, लोकेटेड है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए यूनिवर्सिटी, ये किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है। ओनली ऑफर्स MBA एंड एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स। पिछली बार भारत की रैंकिंग थी वो 45 थी, जो इस वर्ष एक स्थान बेहतर है। रिम ऑफ द पैसिफिक, इसे शॉर्ट में कहा जाता है रिमपैक, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास है। रिमपैक की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि यह कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ष में, सॉरी दो वार्षिक होता है ये, जो दो वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका में है। यह सैन्याभ्यास यूनाइटेड स्टेट की नेवी द्वारा होस्ट किया जाता है। इस बार खास बात यह रही थी कि अमेरिका ने पहले चीन को इन्वाइट किया था और बाद में उसे मना कर दिया था। पेंटागन ने इसके बारे में सफाई दी थी कि चीन की जो नीतियां हैं वो रिमपैक के उद्देश्यों के विरुद्ध हैं, इसलिए उन्हें बुलाकर फिर अपना इनविटेशन वापस कर लिया गया था। हालांकि इनविटेशन न भेजना अलग बात होती है, लेकिन अगर आप किसी को आमंत्रित करके फिर अपना इनविटेशन वापस कर लेते हैं तो ये उसके लिए काफ़ी सोचनीय बात हो जाती है, और इसे अगर आप बात करें तो काफ़ी मतलब प्रतिष्ठा के खिलाफ बात होती है। चौथा स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2018 का आयोजन कहाँ पे होगा? और यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 3 दिवसीय आयोजन होगा और इसमें 5 मेगा एक्सपो होंगे, इंडिया एक्सपो, सौर इंडिया एक्सपो, ट्रांसपोर्ट इंडिया एक्सपो, स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो और वाटर इंडिया एक्सपो। ये चौथा संस्करण है जिसमें विभिन्न देशों से करीब 300 प्रतिस्पर्धी हिस्सा ले रहे हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है? तो इस वर्ष यानी कि 2017 का जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो दिया गया है INS तारणी की टीम को। इस टीम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नीति आयोग की दो बड़ी पहल को बढ़ावा देने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना गया है? तो आपको बता दें कि इसका चुनाव किया गया, सुशांत राजपूत जी का चुनाव किया गया है। और ये दो जो बड़ी दो नीतियाँ हैं जिनको बढ़ावा देने के बारे में बात की जा रही है, उसमें पहला है भीम को बढ़ावा देना। भीम क्या है आपको पता ही है कि ये कैशलेस जो ट्रांजैक्शन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का एक ऐप है। और दूसरा होगा महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना। भारत और नेपाल पिथौरागढ़ में 30 मई से शुरू हो रहे किस संयुक्त सैन्याभ्यास में हिस्सेदार होंगे? यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑपरेशन सूर्य किरण। 30 मई से लेकर 12 जून तक यह युद्धाभ्यास चलेगा और दोनों देशों के करीब 300 योद्धा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 25 मई 2018 को 9वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहां पर शुरू हुआ? और इसका सही जवाब होगा टिहरी में। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का यह 9वां संस्करण था और ये जो है 25 से लेकर 27 मई 2018 तक आयोजित हुआ। इस वर्ष थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। आयोजन करने वाली जो संस्था थी उसका नाम है संस्कृति मंत्रालय। 25 मई 2018 को आसियान भारत फिल्म महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। 25 मई को केंद्रीय राज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने इसका उद्घाटन किया था। दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रेकोमा रोग को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है कौन सा? नेपाल। WHO ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। ट्रेकोमा आँख का एक रोग है, इसमें आँखें जो होती देख रहे हैं आप, स्वेलिंग हो जाती है आई साइड्स में, आई इरिटेशन होता है, आँखों में जलन और खुजली होती है और आँखें दर्द करती हैं, इसे कहते हैं आप ट्रेकोमा। तो नेपाल ने
इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है और WHO के द्वारा उसको प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। द स्पाई क्रॉनिकल्स रा ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस एक बुक है, किसने लिखा है ये बताना है आपको, असद दुर्रानी, AS दुर्लभ। ये तो देखिए ये जो बुक है द स्पाई क्रॉनिकल्स, इसको असद दुर्रानी और AS दुर्लभ दोनों ने मिल के लिखा है। ये बुक का कवर पेज जैसे आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ असद दुर्रानी और भारतीय खुफिया एजेंसी रा के पूर्व चीफ AS दुल्लत दोनों ने मिलकर यह किताब लिखी है। यह किताब विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें दो देश मतलब कि भारत और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं उसके चीफ रहे हैं पूर्व में, दोनों ने मिलकर लिखा है, तो इसलिए यह किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राज्य के प्रत्येक किसान के लिए 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा उपलब्ध कराने जा रहा पहला भारतीय प्रदेश कौन सा है, जवाब इसका होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को पूरा प्रीमियम इसके लिए भर देगी। यह योजना शुरू हो रही है 15 अगस्त 2018 से। तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को और वर्तमान में इनके CM का नाम है के चंद्रशेखर राव। आबादी तेलंगाना की 3.52 करोड़। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 किस देश में आयोजित किया जाएगा, और ये आयोजित हो भी चुका है भारत में, और इस वर्ष थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखिए थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है, तो इसको तो आप जरूर याद रखिएगा। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि ये पहला है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बनाया जाएगा कहाँ पर, इम्फाल में, मणिपुर। इसके लिए 524 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 3224 एकड़ ज़मीन पर इसका विस्तार होगा, निर्माण होगा। इस वर्ष फिशिंग क्या होती है, इंटरनेट पर आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ लिंक्स आते हैं जिस पर आपको अलग अलग प्रलोभन दिया जाता है कि इस पर क्लिक कीजिए और 25 GB डेटा पाइए, इस पर क्लिक कीजिए 1 करोड़ की लॉटरी मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो धोखाधड़ी होती है, इसके लिए सर्वाधिक लक्षित देश कौन सा है, यानी कि कहाँ किस देश के लोगों को सबसे अधिक टारगेट किया जाता है, तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है कनाडा के लोगों को, दूसरे स्थान पर USA अमेरिका, और तीसरे स्थान पर अपना है प्यारा भारत भी है, यानी कि यहाँ के भी लोगों को भी ऐसे जो मेल मिलते रहते हैं, हालांकि आपकी ईमेल में व्यवस्था होती है कि वो ऐसे मेल को स्पैम कर देता है, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे भी अब इस तरीके के जो होते हैं लिंक शेयर हो रहे हैं, इसलिए कोई भी लिंक ओपन करने से पहले आपको एक बार कम से कम विचार करना चाहिए कि इससे हमारा कोई निजी लाभ है या नहीं है। अगर आपका कोई निजी लाभ नहीं है, आपको सिर्फ प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपके बिना प्रयास के आपको लड्डू मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ लड्डू ना खाएं, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। ये जो आंकड़े हैं ये 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच कलेक्ट किए गए थे। भारतीय रेलवे द्वारा इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पांस, इसको क्या कहते हैं आप, IVR, आपने सुना होगा, द्वारा कराए गए सर्वे में भारत का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन सा है, जवाब होगा इसका कानपुर। IVR क्या होता है, आपने अक्सर जो मोबाइल फ़ोन पे फीडबैक के रूप में बहुत सारी चीज़ें सर्वे किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पांस इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद ह्यूमंस थ्रू द यूज ऑफ वॉयस एंड DTMF टोन्स इनपुट बाय कीपैड। आपसे कहा जाता है कि अगर हमारी सेवाएं पसंद हैं तो आप 1 से लेकर 5 तक के बीच में हमें रेट कर सकते हैं। 1 का मतलब होगा कि आप बिल्कुल असंतुष्ट हैं और 5 का मतलब होगा कि आप पूरी तरह सेटिस्फाई हैं और आप 5 बटन दबा देते हैं, तो उसके द्वारा एक टोन पैदा होती है, उसको कहते हैं DTMF टोन। तो इसी के द्वारा आपसे आपका लिया जाता है, राय आपकी ली जाती है। तो इस तरीके से एक सर्वे करवाया गया था IVR के थ्रू, और उसमें यह बात निकल के सामने आई है कि इस समय पूरे भारत का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है कानपुर। चक्रवात मेकनू, डेफिनेटली इससे सवाल पूछे जाएंगे, आपको बताना है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा, अरब सागर। उबेर कप बैडमिंटन किस देश ने जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 1981 के बाद पहली बार ये कप जीता है जापान ने, मेज़बान थाईलैंड को उसने 3-0 से हराया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत दिनों के बाद जापान ने उबेर कप को जीता है। ग्लोबल फ्लाइट प्राइसिंग रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय एयरलाइंस दुनिया की दूसरी सबसे सस्ती एयरलाइंस है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और जेट एयरवेज। सही यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, एयर इंडिया एक्सप्रेस।
किफायती दर पर विमान सेवा देने वाली इंडिगो तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने वाली दुनिया की शीर्ष 5 सस्ती एयरलाइंस में शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें कि ग्लोबल प्राइसिंग इंडेक्स ग्लोबल फ्लाइट प्राइसिंग रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की एयर इंडिया की पूर्ण अनुसंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस सूची में दूसरे स्थान पर है और इंडिगो जो है ये 5वें स्थान पर है। सूची में 2 अन्य भारतीय एयरलाइंस भी शामिल हैं, इसमें जेट एयरवेज भी है जो कि 12वें स्थान पर है और उसके बाद एयर इंडिया है जो कि 13वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट मेलबर्न की यात्रा नियोजन साइट रोम टू रियो ने तैयार की है। रिपोर्ट में प्रति किलोमीटर औसत लागत के आधार पर विभिन्न महाद्वीपों की 200 बड़ी एयरलाइंस की तुलना की गई है। शीर्ष पर कौन सी एयरलाइंस है, तो एयर एशिया एक्स ये शीर्ष पायदान पे है। तो याद रखिएगा कि नंबर 1 पे कौन सा है, एयर एशिया एक्स। ओके, आईपीएल 2018 11वां एडिशन था ये, किस टीम ने जीता है? जवाब होगा इसका चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन ए। यह तो आपको पता ही होगा 27 मई 2018 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया गया। आईपीएल में इमर्जिंग प्लेयर 2018 का खिताब किसे दिया गया? ऑब्वियसली ऋषभ पंत को। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको पता होना चाहिए। थॉमस का बैडमिंटन 2018 किस टीम ने जीता है? और इसका जवाब होगा चाइना ने। 27 मई को चीन ने जापान को 3-1 से पराजित करके यह प्रतियोगिता जीत ली है। यह पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है। किस अभिनेता ने 2 गड्ढों पर आधारित ट्विन पिट टॉयलेट, यह टेक्नोलॉजी है ट्विन पिट टॉयलेट टेक्नोलॉजी, को लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान पर काम शुरू किया है? जवाब इसका होगा अक्षय कुमार। अभी एक मूवी भी आई थी, काफ़ी चर्चित थी, अक्षय कुमार की, नाम आपने सुना होगा टॉयलेट। उसमें अक्षय कुमार की जो अभिनेत्री थी, नाम था उनका भूमि पेडनेकर, तो वो भी इस अभियान में शामिल हैं। 27 मई को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक विज्ञापन अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान ग्रामीण भारत में 2 गहरे गड्ढों वाली शौचालय प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर निर्भर है। शौचालय प्रौद्योगिकी के लिए कलेक्टर्स कन्वेंशन में यह अभियान शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो 1 जिसमें हमने 1 से लेकर 15 मई तक का सारा करंट अफेयर्स डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ उसे भी देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा उसको दबा दीजिएगा, आगे बेल आइकन पर भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।